हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वैनिला केक पॉप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे घर पर आप बड़े आसानी से और मिनटों में बना सकते हैं। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं वैनिला केक पॉप्स की रेसिपी और उसका डेकोरेशन। यहाँ पर मैंने एक वैनिला स्पंज छोटा सा बेक कर लिया है। ये देखिए अच्छे से बेक हो चुका है। ऐसे आप दबाएंगे तो बाउंस होना चाहिए। अब उसे एक बाउल में लेकर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि उसे अच्छे से क्रम्बल कर लीजिए। आपको अच्छे से क्रम्बल करना है। यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट गनाश तैयार कर लिया है। इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा आपको जो क्रम्बल किया हुआ आपका केक है उसमें डालना है और उसको गूंथ लेना है। इसका कोई पर्टिकुलर नाप नहीं होता, आपको देख लेना है कि जब वो बंध जाए, अगर नहीं बंधता है तो थोड़ा सा और गनाश डाल के आप बांध लीजिए। मैं यहाँ चॉको चिप्स डालना भूल गई और मेरे पास वाइट चॉको चिप्स नहीं है, तो मैं डार्क चॉको चिप्स ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट होगा तो आप वाइट ज़रूर डालिएगा। अब उसे अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे मैं एक वेइंग मशीन ले रही हूँ। मैं इसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये केक पॉप्सिकल्स मुझे सेल करना है, तो सेल करते समय एक ही नाप का होना चाहिए। मैं 25 से 30 ग्राम का केक पॉप सेल करती हूँ, तो ये करीबन 28 है, तो ये चलेगा। ये भी 28 है, तो ऐसे मैंने सब नाप के मैंने ऐसे उसको गोल कर लिया है। इवन सरफेस होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि क्रैक्स ज़्यादा ना रहे उस पर। ये देखिए ऐसे आपको सारे लड्डू सबको बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लिया है। इसे आप डबल बॉइलिंग मेथड से या फिर अवन में 10-10 सेकंड के लिए रख के आप मेल्ट कर सकते हैं। अब पॉप स्टिक्स को उसमें डुबा कर आपको जो केक पॉप्स है उसमें इंसर्ट कर देना है। ऐसे सारे केक पॉप्स को पॉप स्टिक इंसर्ट कर लेना है और उसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में अच्छे से वो सेट हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप चॉकलेट की कोटिंग कर सकते हैं। चॉकलेट केक पॉप्स का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ मेरा केक पॉप्स जो है सेट हो चुका है। मैंने चॉकलेट को गर्म पानी के ऊपर रखा है ताकि चॉकलेट हार्ड ना हो। ये देखिए ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब एक एक पॉप्स को लेना है और उसे चॉकलेट से कोट करना है। जस्ट आपको चॉकलेट से कोट करना है और उसे जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे निकल जाने दीजिए। आप अपने हल्के हाथ से दूसरे हाथ से टैप कर सकते हैं अपने हाथ को और एक थर्मोकोल पे उसे स्टिक कर लीजिए। यहाँ मैंने ऐसे ही सारे पॉप्स रेडी कर लिए हैं। पॉप्सिकल्स तो रेडी हो गए हैं। अब डेकोरेशंस आपके ऊपर है, आप जैसा डेकोरेट करना चाहें उसे आप कर सकते हैं। बिना डेकोरेट किए भी अगर घर के लिए हैं तो आप ऐसे ही उसे टेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा अपीलिंग लुक के लिए आप उसे थोड़ा सा सजा लीजिए। मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट में थोड़ा सा रेड कलर मिलाया है। मैंने ऑयल कैंडी कलर मिलाया है यहाँ पे, और कैंडी कलर मिलाने के बाद उसे पाइपिंग बैग में लेकर पाइपिंग बैग के टिप को थोड़ा हल्का सा काट के उसमें मैंने ऐसे लाइंस बना दे रही हूँ। लाइंस बनाने के बाद थोड़ा सा जो गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स हैं उसको डाल दिया है, और फॉन्डेंट से मैंने थोड़ा हार्ट शेप का फॉन्डेंट कट कर लिया था और उसे चिपका दे रही हूँ। तो ये मेरा केक पॉप्स बहुत ही बढ़िया लुक में तैयार हो गया है। अब उसे थोड़ा एक्स्ट्रा और लुक देने के लिए उसे मैं टाई कर दे रही हूँ सैटन रिबन से। तो ये देखिए ये मेरे पॉप्सिकल्स रेडी हो गए हैं। लग रहा है ना दोस्तों खूबसूरत? खाने का मन कर रहा होगा। आप भी इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। आप देखें कितने आसानी से इसे बनाया जा सकता है। आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसके लिए कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है।
आपको सिर्फ एक स्पंज चाहिए और आपको चॉकलेट चाहिए, सिर्फ ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो आप इसे बना सकते हैं। आपको पॉपस्टिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही लड्डू बना के भी आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।